ने जो फैसला बिल्कुल 16-17 साल से ये हमें से न्याय मिलेगा और आज आखिरकार माननीय जज साहब ने जब हमारे लिए भगवान का रूप है तो बिल्कुल माननीय जज साहब हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए जिन्होंने हमें इतने समय बाद इतने लंबे समय बाद एक न्याय दिया। और दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे लंबे संघर्ष के दौरान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। हमारे गवाहों का मैं ऋणी हूँ। उन्होंने बिल्कुल अदालत के अंदर इतने बिल्कुल खड़े होकर ठोस तरीके से अपनी संघर्ष के दौरान बहुत सारी गवाही सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की सीबीआई ऑफिसर्स का मैं ऋणी हूँ। थैंक्स करना चाहूंगा श्री सतीश डागर जी का, श्री सतपाल सिंह जी तत्कालीन जो एसपी साहब थे, उनकी पूरी टीम, राजेश खजूरिया इंस्पेक्टर साहब, पूरी की पूरी सीबीआई की टीम जो इसमें लगी हुई थी वो बधाई की पात्र है। उन्होंने एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की और इस केस को इस मुकाम तक पहुँचाया। और दूसरी बात, इतने लंबे समय में जो दबाव था, जो आरोपी जो अपराधी जो था गुरमीत राम रहीम, उसका बहुत प्रभाव था, वो प्रभावशाली व्यक्ति था, उसका इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े साम्राज्य के सामने हमारे फादर ने जो टक्कर ली और उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा, उसके बाद जिस तरीके से इस लड़ाई को हमने लड़ा, इस लड़ाई के अंदर बहुत से लोगों ने अपना आहुति डाली। आंशुल आंशुल राम रहीम को देखा था आज, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए थे, क्या कैसा रिएक्शन था? कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए उसको देखा हमने, जो है उसके चेहरे का हाव भाव जो है बिल्कुल चेहरा जो है वो ढला हुआ है और बाल सफेद हो चुके हैं, दाढ़ी को भी फैसला सुनने के बाद हम थोड़े इमोशनल थे, उसको थोड़ा झटका दिया।